नमाम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। जब भी हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है या प्रॉब्लम्स आती हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसी को बोलते हैं इंटेलिजेंस। लेकिन कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ जाती हैं, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाते। एक बार ऐसा ही कुछ हुआ धरती माता के साथ, जब धरती पर अत्याचार इतना बढ़ गया था, यहाँ के जो राजा थे महाराजा थे वो इतने लोभी और पापी हो गए थे कि उन्होंने केवल और केवल पाप के अलावा और कोई रास्ता नहीं चुना। धरती माता स्वयं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाती तो देखती हैं ब्रह्मा जी मेरी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें, तो धरती माता गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास जाती है और ब्रह्मा जी से रोते हुए बोलती है, हे ब्रह्मदेव आप कृपा कीजिए मुझ पर कि मैं इन दुष्ट राक्षस राजाओं से मैं बच सकूं और उनका संहार हो सके। इस ब्रह्मांड के प्रजापति ब्रह्मा स्वयं चिंता जताते हैं और बोलते हैं, हे देवी इस समस्या का समाधान ना मेरे पास है ना स्वयं भगवान शिव के पास है, अपितु केवल और केवल भगवान विष्णु ही हमारी सहायता कर सकते हैं। और उसके पश्चात सभी देवगण निकल पड़ते हैं भगवान विष्णु के दर्शन के लिए। भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए सभी देवगण पहुंचते हैं श्वेत द्वीप। सभी देवगण श्वेत द्वीप के किनारे खड़े होकर भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और इस आराधना में वे एक विशेष प्रार्थना गाते हैं। ये प्रार्थना है पुरुष सूक्त। इस प्रार्थना में ब्रह्मा जी विशेष रूप से भगवान विष्णु का ध्यान केंद्रित करते हैं। स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को अपना संदेश सुनाते हैं, बहुत ही जल्द मैं अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ धरती पर अवतरित होऊंगा। मैं धरती पर अवतरित होऊंगा वसुदेव के यहाँ पुत्र बनकर। मैं जब धरती पर आऊंगा मेरे भाई बलराम और मेरी बहन योग माया भी साथ में आएंगी। और इतना बोलकर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं और भगवान का ये संदेश सुनने के पश्चात सभी देवगण अपने अपने धाम लौट जाते हैं। ब्रह्मा जी अपने धाम ब्रह्मलोक लौट जाते हैं और धरती माँ बहुत ही प्रसन्न होकर बहुत ही खुश होकर जाती हैं। और किस प्रकार भगवान विष्णु धरती पर जन्म लेते हैं ये कथा हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। हरे कृष्णा।